नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका के सेक्टर 11 इलाके में। आप देखें पीछे जो छठ घाट है वो बनके तैयार है, जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल जो है होने वाली हैं, और अब आज से जो छठ का व्रत है 4 दिन का वो शुरू होता है। तमाम जो लोग हैं आयोजन समिति से जुड़े हुए वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कितनी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, क्या कुछ तैयारियाँ की जानी बाकी हैं। और द्वारका और दिल्ली का सबसे खूबसूरत जो छठ घाट है वो यहाँ पे होता है। बहुत सारी जो तैयारियाँ हैं वो की जाती हैं, इको फ्रेंडली तैयारियाँ होती हैं। प्रकृति का जो पर्व है, सूर्य उपासना का जो पर्व है, बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रॉबिन जी, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की तैयारियाँ हैं, कितनी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और क्या कुछ बाकी हैं? देखिए, छठ पूजा के नियमित जितनी तैयारियाँ होनी चाहिए थी सब पूरी हो चुकी है। 4 नवंबर से हमारी जो टीम के वॉलंटियर्स हैं वो लोग इस ग्राउंड की साफ़ सफाई में और घाटों की साफ़ सफाई में लगे हुए थे। सारी तैयारी हो चुकी है, सभी घाटों को पेंट हो चुका है, ठीक है। सजावट आप देख ही रहे हैं, ये हो रहा है। एक हवन कुंड का निर्माण होना रह गया और भगवान सूर्यदेव का जो मंदिर बनाते हैं वो होना रह गया है। अब विशेष जो रहेगा वो कल के दिन रहेगा, जब इस ग्राउंड की, पूरे ग्राउंड की कारपेटिंग होगी। कारपेटिंग होगी, चारों ओर से पर्दे बांध दिए जाएंगे, लाइट्स वगैरह लग चुके हैं। ये सारी जो भी तैयारी होनी चाहिए एक आयोजन के लिए वो सब हो चुकी है। घाटों की जो संख्या है मेरे ख्याल से इस बार बढ़ाई गई होगी, क्योंकि हर बार आप लोग घाटों की संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे ज़्यादा संख्या में आने लगे हैं। और उसके बाद में एक कोई ना कोई विचार आपकी पूजा में हमेशा रहता है, छठ पूजा में इस बार क्या विचार होगा, घाटों की संख्या कितनी है और कितनी उम्मीद आप लोग कर रहे हैं कि छठ व्रती यहाँ पे आएंगे? देखिए, पिछले बार 27 घाट थे, इस बार 3 घाट और बढ़ा के 30 घाट कर दिए गए हैं, ठीक है। और जो विचार है वो विचार है सनातन का। हम सारे सनातनी एक हैं, सनातनी परंपरा, सनातनी हम सबको एक मंच पर लाने का हमारा प्रयास है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस बार की जो पूजा है, वैसे तो हर बार जो यहाँ की जो पूजा है, जो भूमि पूजन वगैरह होता है सब होता है। जो हमारे संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति के भाई बंधु हैं उनके माध्यम से हम लोग इसको आरंभ कराते हैं। भाई, सनातन तो कभी अनुसूचित मानता ही नहीं किसी को, लेकिन संविधान में यह प्रावधान दे दिया गया है तो चलिए वही सही। एनीवे, समाज में एक भाव रहे, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई जाति श्रेष्ठ नहीं, कोई निकृष्ट नहीं, सारे सनातनी हम एक हैं, यही विचार इस बार है। इसलिए इस बार हम लोगों ने केवल एक विचार रखा है, भगवान। ये सनातन का रंग है, यही रंग भारत को भी बचाएगा, सनातनियों को भी बचाएगा। इसके जरिए सभी जो सनातनी है उनसे, उनको जोड़ने की कोशिश रहेगी, ताकि जो जातियों में जो लोग बटे हैं, हमारे सनातन को जो बांटा जाता है, कम से कम उसका बंटवारा ना हो, सब लोग एकजुट रहें। पानी की जो व्यवस्थाएं हैं क्या वो मुकम्मल हुई हैं? कब तक पानी यहाँ पे जो घाट पे पहुँचना शुरू हो जाएगा? ये कल सुबह से जल बोर्ड से बात हो गई है, तो वो कल, क्योंकि द्वारका में काफ़ी घाट बनते हैं, तो ये सबसे बड़े घाट जो है द्वारका का, क्या पूरी दिल्ली का ही यही सबसे बड़ा घाट है, तो 30 घाट हैं, तो सब में वो पीने वाला पानी, स्वच्छ पानी ही डलता है, तो इसलिए कल से शुरू हो जाएगा 11 बजे। कितना अनुमान है, कितनी संख्या इस बार रह सकती है छठ पूजाधारियों की यहाँ पे? भाई, जैसे लोग पूछने आ रहे हैं, जैसे शिफ्ट होके आते हैं जैसे बाहर से, तो कम से कम 10-15% हर बार से बढ़ेंगे, इसलिए 3 घाट 27 की जगह अब 30 घाट हो गए हैं। हाँ, तो उनके हिसाब से हम परसेंटेज भी बढ़ा देते हैं घाटों की भी, तो मुकब्बल है सब। तो उम्मीद है कि मेरे ख्याल 5 से 7 हज़ार लोग इस बार जुटेंगे, 4 से 5 तो होते ही हैं लगभग। हाँ हाँ, आराम से, इससे ज़्यादा ही संख्या होने के आसार हैं, कम नहीं होंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात इस बार जो है, बनारस का जो डमरू दल है, बनारस के गंगा घाट पे आपने देखा होगा कि माँ गंगा की आरती जो टीम करती है, जो लोग वहाँ करते हैं, वो इस बार हमारे सेक्टर 11 छठ घाट पे आएंगे और सभी की जो आरती होगी वो ही टीम कराएगी। और मैं आपको बताऊँ, ये हमारे राधे भाई है, इन्होंने इन घाटों की साफ़ सफाई और पेंट वेंट का काम किया है, कृष्ण मोहन तिवारी जी के साथ में, भाई अशोक सिंह जी के साथ में। तो अब जो विशेष रह गया हवन कुंड का, इनके, इनसे भी थोड़ा आप पूछ लीजिए। हवन कुंड जो है उसका निर्माण किया जा रहा है, कितना समय उसमें लगेगा? जी, आज लगभग ये हवन कुंड बन के तैयार हो जाएगी। आज 100% कोशिश है जो बन के एकदम तैयार कर देना है, बाकी थोड़ा बहुत अब काम बचा है। मिट्टी डलवा रहा हूँ, आपके सामने देख सकते हैं, छोटा मोटा जो गड्ढा गुड्ढा है उसको प्लेन करने का वो है। चलिए,
तो तैयारियां जो हैं वो अंतिम दौर में हैं। कल जो पानी है उसका आना शुरू हो जाएगा और जो जो छठ घाट हैं उनमें पानी डाला जाएगा और साथ में इसके जो तैयारियां हैं वो अंतिम तौर पे पूरी होंगी और फिर भव्य छठ पूजा का आयोजन द्वारका सेक्टर 11 में इस बार पुनः होगा। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।